zombie apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आप लोग का स्वागत है आर्क सॉइल की एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन लोग भाई के वगैरह करने वाले हैं। और भाई, हमने पिछले एपिसोड में अपना भाई बॉस वगैरह को मारा था, जो अपना भाई बंदर वाला बॉस था, और उन भाई तीनों बॉस को मार दिया था, अल्फा, बीटा एंड गामा। भाई साहब, रात हो गई भाई, काफ़ी जल्दी रात हो गई। अपन थोड़ा सा बीटा पढ़ा, अपना गामा पढ़ा दे। गामा मैंने कम करके रखा है, इसलिए भाई कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है गामा बढ़ाने पर भी। अपन भाई थोड़ा सा गामा तेज़ कर लेते हैं। एंड गाइस, अभी मैंने गामा तेज़ कर लिया है, अभी शायद ठीक है गामा, इतना गामा ठीक रहना चाहिए भाई। चार पे अपना गामा सेट कर लिया है, अभी ठीक है, इतना गामा ठीक है। और आज के इस एपिसोड में अपन कोई केव करेंगे, केव में जाएंगे भाई अपनी आर्टिफैक्ट आप स्ट्रांग वाली केव में। सबसे ज़्यादा भाई खतरनाक वही केव है भाई, काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के वहाँ पर बंदर वगैरह रहते हैं। और अपने पास भाई आर्मर वगैरह है, अपन सीधे चलते हैं भाई अपने, किसको लेकर जा रहे हैं भाई अपना, वो कहाँ गया, ये रहा भाई अपना थाइलोकोलियो को लेकर चलेंगे भाई। थाइलोकोलियो भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इसके भाई 19 लेवल भी आ चुके हैं। अपन लेवल अप इसका कर देते हैं और इसका मेरी डैमेज बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। चलो भाई, फुल्ली लेवल अप हो चुका है और इसको हील भी कर देते हैं अपन। चलो एक खिला देते हैं इसको, फुल्ली हील हो चुका है। अभी ये जाने के लिए भाई फुल तरीके से रेडी है। और ये भाई फीडिंग थ्रो का इनके ऊपर साइन भी आ रहा है, ये देखो भाई, ये फीडिंग थ्रो से खाना खा रहे हैं, इनके ऊपर साइन वगैरह भी आने लगा। लेकिन इस साइड वाले डाइनो के ऊपर नहीं आ रहा है भाई कोई भी साइन। और ये सारे के सारे वाइल्ड अपने पैरासोर है, इनको भाई क्लेम करना पड़ेगा। और क्लेम करके मैं इनको फिर मारूँगा, तब शायद अपने को इलेक्ट्रॉनिक मिल जाए। अपन ट्राई करते हैं अभी के अभी, अपन क्लेम करते हैं भाई सबको। चलो इसको क्लेम कर लिया, ये भी हो जाए भाई क्लेम। चलो ये भी हो चुका है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। ओ जा भाई, इसे भाई साहब कितने सारे हैं भाई, नहीं ये तो क्लेम कर चुका हूँ मैं। चलो इनको इधर बुला लेते हैं, थोड़ी सी जगह कम हो फिर दिक्कत बने अपने को कि कौन से भाई आ नहीं रहे हैं ये लोग, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। ये फॉलो नहीं कर रहे हैं शायद अपने को, इसलिए वहीं पर खड़े हुए हैं। चलो अपन अब भाई, अंडे अभी तक फूट रहे हैं भाई, इनकी ब्रीडिंग मैंने ऑन करके रखी है और ये अंडे निकालते रहते हैं। और इसको अपन क्लेम करते हैं। अपन एक बार एक चीज़ ट्राई कर लेते हैं, इसको अपन के पास एडल भी तो नहीं है, अपन फॉलो वन करते हैं। अभी फॉलो करने लगा, अभी फॉलो तो कर रहा है कोई, आ जा भाई जल्दी से इधर। चलो अभी आ गया, अभी अपन इसको कर देते हैं स्टॉप और इसको किल कर देते हैं भाई। किल कैसे करना है इसको पता नहीं, अपन देखते हैं भाई। बिहेवियर में, ऑल सेटिंग में, हार्वेस्ट सेटिंग ऑप्शन ऑप्शन में शायद से होना चाहिए। चेंज अनक्लेम है, एक्सपोर्ट डाइनो न्यूट्रल, अनक्लेम कर दें भाई, अनक्लेम हो जा ऑप्शन से, अनक्लेम अनक्लेम करके शायद ही मार सकते हैं इनको, ऐसे तो किल नहीं कर सकते हैं। चलो भाई अपन अपने सेबर टूथ को लेकर चलते हैं। ये लोग भाई भागने लगे, हाँ भाई मिल रहा है भाई, अच्छा खासा मिल रहा है। और अपन ऐसे ही अगर मारेंगे, ऐसे अपन इस बच्चे को मार के एक बार चेक करते हैं। ये मेगलानिया देखो, क्या ये भाई भाग रही है भाई, क्या हो गया इसको? इस बच्चे को अपन एक बार मार के चेक करें भाई, बच्चे को भी मार कर मिल रहा है भाई अपने को भाई की, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इनमें सबको भाई किल कर देते हैं। स्क्रैप मेटल, इलेक्ट्रॉनिक सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है भाई साहब, ये मतलब तरीका बहुत अच्छा है। इनकी ब्रीडिंग ऑन करके मैंने रखा था इसीलिए, क्योंकि जब ये पैसे और बड़े हो जाएंगे, इनको मार कर मैं इलेक्ट्रॉनिक भाई इकट्ठा करूँगा। और वहाँ पर भाग रहा है एक तो, इसको भी पर मार देते हैं। चलो भाई मिल चुका है, और तो नहीं है कोई यहाँ पे भाई साहब। ये तरीका काफ़ी अच्छा है, मतलब ये रखे रख, इसके ऊपर भी एक ठो है ना, इसके ऊपर से अपन मार के आते हैं। चलो इसको भी मार दिया। एंड भाई काफ़ी सारा सामान अपने को मिल चुका है यहाँ से, अपन उतर जाते हैं। और अभी मैं देखता हूँ भाई, अपने पास तो नहीं आया होगा, इसके अंदर आया होगा। अभी अपन गामा ऑफ करते हैं, शायद से थोड़ा सा दिन हो चुका है,
मिला भाई 401 पोटेंट डस्ट, ये एलिमेंट डस्ट है भाई। एलिमेंट डस्ट का क्या यूज होता है भाई, मेरे को पता नहीं भाई, आपको लोग कमेंट करके बताना एलिमेंट डस्ट का अपन क्या कर सकते हैं। और 395 अपन को इलेक्ट्रॉनिक मिल चुके हैं फ्री के भाई साहब, इनको अपन रखते हैं और फिर चलते हैं भाई अपन केओ के लिए। और इसमें अपन करते हैं ट्रांसफ़र, चलो भाई अभी ठीक है, अभी अपन अपनी अर्जेंट ड्राइवर्स को लेकर चलते हैं। और अपन टेलीपोर्ट कर देते हैं ब्लू ऑब्लिस्क पे, ब्लू ऑब्लिस्क से भाई स्ट्रॉन्ग वाली के वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, वहीं से अपन चलेंगे। चलो भाई अपन आ चुके हैं और यहाँ पर अभी तक भी ड्रग्स पड़े हुए हैं, मैं घर को इनको लेकर नहीं गया हूँ इसलिए यहाँ पर पड़े हुए हैं। किस साइड अपन जा रहे हैं, अपने कोस्ट साइड जाना है, उस साइड है अपनी भाई स्ट्रॉन्ग वाली केओ। और स्ट्रॉन्ग वाली केओ में भाई पता नहीं कौन कौन से भाई खतरनाक डायनो आएंगे भाई पीसी में, मैं मोबाइल में करके देख चुका हूँ भाई, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है स्ट्रॉन्ग वाली केओ, लेकिन भाई पीसी में तो और ज़्यादा खतरनाक होगी, तो पीसी में तो और ज़्यादा खतरनाक खतरनाक डायनो होंगे। यहाँ पर यूटी डायनो सोरस है भाई 8 लेवल की नूब, और इनकी भाई ट्रॉफी वगैरह मैं कलेक्ट कर रहा था भाई, मतलब लगभग मैं ट्रॉफी वगैरह कलेक्ट हो गई हैं भाई, मतलब यूटी डायनोसोरस की शायद से 15 ट्रॉफी चाहिए। और कहाँ पर गई थी वो अपनी, यहीं पर तो थी, यही है क्या भाई, अंधेरे में कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर केव नहीं है भाई, यहीं पर होनी चाहिए केव, वो रही केव वहाँ पे है। चलो भाई अपन आ चुके हैं केव में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा दिख रहा है, गामा अपन बढ़ा लें, गामा बढ़ाने से भाई पता नहीं कैसा दिखता है अपन, क्या भाई अटक चुके हैं यहाँ पे, निकल ही नहीं पा रहे हैं भाई, कैसे निकलेंगे अपन। एक बार भाई थाईलो कोलियो को बुलाते हैं, वो यहीं पर आएगा, अपन उसके ऊपर बैठ कर निकल जाएंगे, ये भी भाई अटका हुआ है भाई, बैठा ले, चलो भाई बैठ गया फाइनली इसके ऊपर। और अपने को ठंड लग रही है भाई, अपन ने आर्मर नहीं पहना है अभी तक, चलो भाई आर्मर हमने पहन लिया और अभी तो ठंडक नहीं लग रही, अपन हेल्थ फुल कर लेते हैं अपनी, फुल हो जाए हेल्थ, चलो भाई अभी ठीक है, हेल्थ वगैरह भी फुल हो चुकी है, अभी अपन जा सकते हैं अंदर। अभी अंदर गामा अपन ऑफ कर लेते हैं भाई, गामा ऑन करने पर काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस बढ़ जाती है भाई साहब, यहाँ पर तो पानी है, अपन चलते हैं इधर से, यहाँ से अपने को शायद से उतरना पड़ेगा, यहाँ से तो ये नहीं जा सकता है, अपन भी यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्या भाई, अपने को क्रॉस करके जाना पड़ेगा शायद, यही सही रास्ता है ना, मैं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा हूँ, सही है रास्ता शायद भाई, अगर इशू हो गया भाई, नहीं मारना मत मेरे को भाई, ये लोग भाई गंदे तरीके से मार रहे हैं अपना भाई, थाई खोली पागल हो गया भाई, मेरे को क्या करना भाई, शॉर्ट गन अपन निकाल कर उसको सबसे पहले पेल देते हैं, मर जा भाई, चलो फुल डूब गया, 232 लेवल की थी, फाइनली मर चुकी है, अभी अपन अपने थाइलो कोलियो को बुला लेते हैं, भाग मत भाई साहब, ये क्या है भाई, भालू भाई, इसमें भालू भी हैं, भालू भी इसके ओ में है भाई, मतलब मोबाइल में तो भालू वगैरह नहीं थे और पुरलोबिया भी केव के अंदर नहीं थी मोबाइल में, और यहाँ पर पुरलोबिया भाई वो पत्थर बनी बैठी हुई है, मैं इसके पास जाऊँगा, ये अपने ऊपर अटैक करेगी और तो मेरे को ये गिरा देगी पक्का, ये थी भाई 212 लेवल के हैं, इनको अपन टेम भी कर सकते हैं, नहीं नहीं नॉट टेमेबल हैं ये, इनको टेम वगैरह नहीं कर सकते हैं भाई, पुरलोबिया वहाँ पर है भाई, इसको अपन कैसे मारें, अपन शॉट गन से ट्राई करें, ये तो भाई निकल ही नहीं रही है पुरलोबिया, और ये बंदर भी नहीं मर रहा है, 6000 हेल्थ है, 2000 हेल्थ बची है इसकी अभी, चलो ये बंदर निपट गया, इस पुरलोबिया को अपन निपटा देते हैं, ये भी पुरलोबिया निपट चुकी हैं भाई साहब, मतलब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, अपन ऐसे भागे हैं पे अपने को उतार देगा ये, और यहाँ पे पानी है ना, खाई वगैरह तो नहीं है, मैं गिर जाऊँ नीचे, चलो अपन चलते हैं भाई, पुरलोबिया आ गए, और वो तो भाई वैसे भी हैं यहाँ पे, कोई तो चिल्ला रहा था भाई पीछे से, वो देखो भाई पुरलोबिया क्या ही भाई उछल रही है, अपन आगे चलते हैं भाई, इनको सबको छोड़ते हैं, अपन मारने लगे तो भाई मारते ही रहेंगे,
ये लोग निकले नहीं दिन के अपने को। चलो भाई, अब भाई तीन तीन को आ गए। यहाँ से बेल्ट तो अपने को भर भर के मिलेगा, वुल और कितनी सारी पुरलोपियाँ हैं। अभी अपनी अपने को अभी किधर जाना है? मैं गलत रास्ते पर हूँ शायद। यहीं से तो मैं आया था ना अभी। कहाँ से आया था मैं? इधर ही से आया था शायद। इधर ही से आया था। अपन इधर से जंप करें क्या नीचे डायरेक्ट? भाई नहीं, उतार दिया मेरे को भाई। वो न्यूट्रल पे है क्या? न्यूट्रल पे नहीं है क्या भाई? हेलो, हटो हटो, मेरे मेरे को बैठने दो उसके ऊपर। भाई सबको मार दे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भाई ये। भाई पुरलोविया इस केव में भाई काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ करेंगी आगे। भाई अपन सही रास्ते पर हैं, इधर ही से जाना है अपने को आर्टिफैक्ट लेने के लिए। और इसमें भाई काफ़ी ज़्यादा खाई है, मतलब आइस के ये जो ब्लॉक बने हुए हैं पानी के ऊपर। अपने को इधर जाना है ना, अपन यहीं से जंप कर दें। भाई सब अंदर आ रहा है पानी में तैरते हुए। देखते हैं, पहुँच गए भाई अपन ऊपर डायरेक्ट। अपने को उधर से घूम कर आना पड़ता, अपन डायरेक्ट यहीं से जंप करके पहुँच गए। और यहाँ से अपन जंप कर पाएंगे। हाँ भाई अपन जंप कर सकते हैं। थाइलो गोली है अपने पास भाई जंप करने का। भाई ये बहुत तगड़ा जंप करता है। काफ़ी सारी वुल्फ हैं यहाँ पे। अपने को अभी किस तरफ जाना है भाई साहब? ये भाई मैं मर जाऊँगा भाई। हेलो, हट भाई, क्या ही मार रहे हैं ये लोग भाई साहब। बहुत खतरनाक मारते हैं ये लोग, स्टन कर देते हैं ये पुरलोविया लोग। ओके चलो भाई अपन आके चलते हैं। और यहाँ पर तो रास्ता बंद करके रखा है। अभी अपने को किस साइड जाना है? अभी अपन भाई वैसे वहीं पर आ गए। अपन यहीं से तो गए थे भाई, वहाँ पे घूम घाम के फिर से अपन वहीं पर आ चुके हैं। इधर अपने को जाना है। अभी इस क्रिस्टल को तोड़ना पड़ेगा अपने को। इसके ऊपर से नहीं तोड़ पाएंगे क्या? इसके ऊपर से अपन तोड़ ही नहीं सकते हैं। चलो भाई अपन वैसे ही निकल गए। क्रिस्टल तोड़ने की वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तो। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बंदर हैं भाई। पुरलोविया सामने है, पुरलोविया अपने को डिस्टर्ब ना कर दे भाई। काफ़ी सारे डाइनोज हैं यहाँ पे। अपने को वो लोग भाई खतरनाक तरीके से मारेंगे। अभी अपने को इस साइड जाना है शायद, नीचे की साइड। अपन इधर ही चलते हैं। पुरलोविया भाई साहब, और अभी इस साइड। भाई साहब क्या है भाई, कितने सारे डायनोज हैं सामने। पुरलोविया भी है। ये पुरलोविया भाई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, वो मरती भी नहीं है। अपन इसको मारते हैं अगर। ये देखो भाई पत्थर बनी बैठी हुई है, इसको लगता ही नहीं है। जब अपन इसके पास जाएंगे तभी ये हमला करेगी। ये देखो निकल कर आ गई भाई। मरना, पुरलोविया स्टन कर दिया इसने भाई। मैं मर जाऊंगा। आर्मर तो मेरा भाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, इसीलिए मैं बचा हुआ हूँ अभी तक। भाई साहब बटो, निकलन दो मेरे को भाई। काफ़ी देर तक स्टन करके रखती है अपने को। यहाँ पर भाई ठंडक भी लगने लगी भाई। काफ़ी तगड़ा वाला अपना आर्मर है, तब भी अपने को यहाँ पर ठंडक लगने लगी। काफ़ी ज़्यादा ठंडक है भाई अंदर। अपन आगे चलते हैं। अपन आर्टिफैक्ट के लगभग में करीब में आ चुके हैं। अभी अपन आर्टिफैक्ट लेकर निकलेंगे भाई। ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं रहना है, नहीं तो भाई। भाई साहब फिर से स्टन कर दिया और मैं गिर गया भाई पानी में। काफ़ी ज़्यादा बेकार भाई। मैं ये लेकर आया था, उसके वजह से बच गया। नहीं तो भाई अपन पानी में से निकल नहीं पा गए। और अपने को ठंडक की वजह से भाई मारना पड़ता है यहाँ पे। चलो अभी अपन इधर से निकलते हैं आगे। और वो रहा भाई अपना आर्टिफैक्ट सामने।
भाई आगे फुरलोपिया है, यहाँ पर अगर स्टन किया अगर नीचे गिरा दिया तो भाई काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्या करें अपन, यहाँ पे एक तो पत्थर वाली बैठी हुई है, ये लपड़े को पक्का स्टन करेगी ही करेगी। अपन टेक राइफल से इसका कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? हाँ भाई टेक राइफल से शायद वो निकल कर मर गई। चलो भाई टेक राइफल तो अपनी काफ़ी ज़्यादा ओपी है कि अभी तक यहाँ पर बची हुई है। चलो अभी अपन आगे चलते हैं। और ये रहा भाई अपना आर्टिफैक्ट, ले लेते हैं अपन आर्टिफैक्ट यहाँ से। दोबारा से नहीं आया आर्टिफैक्ट, आ जाता तो अपन अपनी मोसा सर को बुला कर उसके अंदर आर्टिफैक्ट रख देते। इधर पानी में अपन बुला सकते थे मोसा सर को, लेकिन आया ही नहीं भाई आर्टिफैक्ट। ये कुछ देर में क्यों स्पॉन होता भाई, तुरंत किस किसी किसी क्यों में स्पॉन हो जाता है इसमें भाई, काफ़ी ज़्यादा देर में स्पॉन होता है। अभी अपन डायरेक्ट बाहर टेलीपोर्ट मार देते हैं, अपने बेस पर डायरेक्ट टेलीपोर्ट मार देते हैं ना। अपन अभी निकलते निकलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भाई टाइम लगेगा डायनोज वगैरह को मारने में। चलो अपन फाइनली बाहर आ चुके हैं, अभी अपन रख देते हैं इसके अंदर अपना आर्टिफैक्ट ट्रांसफ़र। चलो भाई आर्टिफैक्ट रख दिए यहाँ पे हमने। और अभी भाई अपन अगली क्यू के लिए चलते हैं। अगली क्यू अपनी कौन सी थी, स्काई लॉर्ड। भाई साहब स्काई लॉर्ड क्यू भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है। चलो भाई अपन अभी अपनी अर्जन ट्रैविस को बुला लेते हैं। आ चुकी है अर्जन ट्रैविस, अभी अपन कर देते हैं भाई टेलीपोर्ट फिर से ब्लू ऑब्लिस्क पे, ब्लू ऑब्लिस्क टर्मिनल। चलो भाई और यहाँ से भाई स्काई लॉर्ड के में भाई ग्रैपलिंग हुक का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने को। ग्रैपलिंग हुक अपने पास है ही भाई, मैं फंस गया भाई, किधर से निकलना है। चलो भाई निकल तो गया मैं, काफ़ी ज़्यादा भाई तूफान चल रहा है इधर तो। अपनी क्यों कहाँ पे थी, इस साइड या इस साइड, भाई मैं किस साइड जा रहा हूँ कुछ तो पता नहीं चल रहा है भाई, सब काला काला नीचे दिख रहा है भाई, कुछ नहीं पता चल रहा नीचे मैं कहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पे नहीं। इधर है शायद से क्यों अपनी। एंड गाइस अपने को फाइनली यहाँ पे क्यों मिल चुकी है, ये रही भाई अपनी स्काई लॉर्ड वाली क्यों। चलो अभी अपन अर्जेंट ड्राइवर्स को रख देते हैं और चलते हैं। और इसके में भाई अपने किसी डाइनो को बुला लें भाई, कोई डाइनो तो यहाँ से निकल। भाई क्या क्या भाई इसका मुंह दिख रहा था यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुंह दिख रहा है। अपन क्राउच करके अंदर जाते हैं। चलो भाई अंदर आ चुके हैं, अभी अपन अपनी कहीं टेक राइफल निकाल लेते हैं, बट टेक राइफल से मारना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अभी अपने को इस साइड जाना है यहाँ से, कोई तो चिल्ला रहा है भाई। ऑनिक भी है सामने भाई साहब। अभी अपन अपना ग्रैपलिंग हुक निकाल लेते हैं, अगर गिर गिरा गए तो भाई साहब ये पत्थर अटक रहा है मेरे को अपन इधर से। चलो भाई अभी ठीक है, कोई तो जानवर है वहाँ पे, इसको अपन मारने का ट्राई करते हैं। लग ही नहीं रहा भाई उसके, वहीं पटक रहा है। चलो भाई अभी अपन चलते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पर हैं भाई। नो एमो भाई साहब, एमो ख़त्म हो गई भाई, मैं एलिमेंट लेकर नहीं आया हूँ इसलिए एमो अभी ख़त्म हो गए अपनी टेक राइवल की। काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है यहाँ पे तो। चलो भाई अपन आ चुके हैं यहाँ पे। और भाई कौन चिल्ला रहा है इतना, भाई कोई तो चिल्ला रहा है काफ़ी तेज, शायद नीचे नीचे तो कोई नहीं दिख रहा है। अपन ले लेते हैं भाई आर्टिफैक्ट। चलो भाई आर्टिफैक्ट अपने को मिल चुका है, अभी अपन डायरेक्ट निकलते हैं, अपन सीधा टेलीपोर्ट मारते हैं भाई, अगर गिर गिरा गए तो काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। अपन टेलीपोर्ट मार देते हैं अपने बेस पे। चलो भाई अपन बेस पे चल रहे हैं, और भाई अपन आ चुके हैं भाई अपने बेस पे, और अपना गामा वगैरह ऑफ कर लेते हैं। और ये वाला भी आर्टिफैक्ट अपन रख देते हैं इसके अंदर। अपने को भाई तीन ठो आर्टिफैक्ट अपने पास हो चुके हैं, कनिंग वाला था,
कनिंग वाला ये है, नहीं क्लेवर वाला है ये भाई। कनिंग वाले अपने पास दो ठो हो चुके हैं, और स्ट्रॉन्ग और ये स्काई लॉर्ड, और एक और चाहिए अपने को भाई एक्सेस करने के लिए अपने को, और इम्यून चाहिए जो भाई अपनी पॉइजन वाली केओ में मिलता है। उसको बनाने के लिए भाई अपने को एक तो मटेरियल चाहिए होता है, वो मटेरियल पता नहीं कैसे मिलता है मेरे को भाई, किसी को डायनो को मार के शायद से मिला है ये वाला मटेरियल, ऑब्स्ट्रैक्ट कुछ तो है भाई इसका नाम, यही शायद लगता है। पर मास्क बनाने में, मास्क रेप्लिकेटर के अंदर बनता है शायद, अपन चेक कर लेते हैं एक बार भाई मास्क किसके अंदर बनता है। ये रहा भाई मास्क अपना, इसको ये वाला मटेरियल भी चाहिए और पॉलीमर भी चाहिए। पॉलीमर और डाल के मैं इस मास्क को भाई क्राफ्ट कर लेता हूँ, दो ठो अपन मास्क क्राफ्ट कर लेते हैं भाई, दो ठो काफ़ी होने चाहिए अपने को मास्क वगैरह। एंड चलो भाई मैंने सारा सारा मटेरियल डाल लिया है, और इसको अपन क्राफ्ट कर लेते हैं सबसे पहले पॉलीमर, भाई पॉलीमर की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है अपने पास। और अभी अपन मास्क बना सकते हैं शायद, नहीं भाई इसके लिए 20 चाहिए, और ये भाई बन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो रहा है भाई पॉलीमर, और इस आर्मर की वजह से अपने को भाई गर्मी काफ़ी ज़्यादा लगती है। अपन इसके अंदर से पॉलीमर निकाल लेते हैं, तब तक अपना भाई ऑर्गेनिक पॉलीमर इसी के अंदर रखा हुआ है, 300 है। चलो भाई इतना काफ़ी है, बाद में वो भंगता रहेगा आसानी से। अपन भाई जल्दी से भी मास्क बना कर इधर से निकलते हैं, और तो भाई इसको कैंसिल कर देते हैं और अपन बना लेते हैं मास्क। चलो दो ठो बन रहे हैं, और अब बाकी का अपन पॉलीमर क्राफ्ट करने के लिए डाल देते हैं। चलो 200 पॉलीमर क्राफ्ट करने के लिए डाल दिया है अभी तो। और चलो भाई अपने दो ठो मास्क, भाई ये नहीं लेना है अपने को। चलो अपने दो ठो मास्क क्राफ्ट हो चुके हैं, अभी अपन चल सकते हैं। और तो कुछ नहीं चाहिए, और तो कुछ नहीं चाहिए था भाई। अब भाई सबसे पहले अर्जेंट ट्रेविस को अपने बुला लेते हैं, अर्जेंट ट्रेविस आ जाए। चलो अपन इसको लेकर चलते हैं, और अपना भाई केओ थी रेडवुड में, रेडवुड में भाई कोई टेलीपोर्टर मैंने लगा कर रखा है या नहीं लगा के रखा है, अपन एक बार चेक कर लेते हैं। रेडवुड में तो नहीं है भाई, इधर यहाँ पर है केओ, और अभी मैं इधर पे हूँ यहाँ पे। तो अपन किस साइड किस तरह चलें भाई, उड़कर ही चलते हैं अपन भाई, थोड़ा टाइम लगेगा अपन लेकिन पहुँच जाएंगे। एंड गाइस यहाँ पे भाई अपने को एक तो टेक्रेक्स दिख चुका है, अपन इसको भाई टेम करने वाले हैं अभी, जिसको अपन टेम करके भाई बेस पर भेज देते हैं जल्दी से। और अपने पास एरो वगैरह है ना, हाँ भाई एरो वगैरह है अपने पास, अपन इसको आपके अभी टेम कर सकते हैं। अपन थोड़ा ऊंचाई साइड चले जाते हैं जिससे ये आ ना पाए। चलो अपन यहाँ पर अर्जेंट ट्रेविस को रख देते हैं, यहाँ पे शायद से सलामत रहेगी अपनी अर्जेंट ट्रेविस। अभी अपन वो निकाल लेते हैं और इसको भाई मारना स्टार्ट करते हैं, और 28 लेवल का है, जल्दी ही नॉक भी हो जाएगा ये। कहाँ गया भाई, भाई वो पंगा लेने लगा इन लोगों से, स्टीवो वगैरह से। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ कर देगा ये तो इधर पंगा लेने लगा है, और ये लोग भाई इसको मार ना दें भाई, मर तो नहीं जाएगा भाई। रेक्स की हेल्थ कितनी बची है भाई, आधी लगभग में बची हुई है इसकी हेल्थ, अपन इन लोगों को मार सकते हैं ना, अपन शॉटगन निकाल कर इनको किल कर सकते हैं। चलो दोनों तो मरने वाले हैं, वैसे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, मर जाएंगे वो। एक गोली लग चुकी है इसके, चिल्ला रहा है भाई, क्या ही चिल्ला रहा है, आ रहा है भाई काफ़ी ज़्यादा तेज। भागो इधर से, अपनी अर्जेंट ट्रेविस को भी मैंने न्यूट्रल पे नहीं किया है, वो भी मारने लगेगी इसको। चलो अभी इसका टॉर्पर भाई बढ़ गया है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, भागन लगेगा ये तो। चलो भाई हो चुका है नॉक, यहाँ पे अपन मीट लेकर आते हैं भाई अर्जेंट ट्रेविस के साथ, शायद से मीट होगा या नहीं होगा पता नहीं, अपन एक बार देख लेते हैं मीट। हाँ भाई प्राइम मीट काफ़ी सारा है इसके पास, भाई प्राइम मीट उसको दे देते हैं। और ये रहा भाई अपना टेक्रेक्स, भाई साहब टेक्रेक्स, अभी अपन टेक्रेक्स की मीटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन भाई ये एक लो लेवल का है, 28 लेवल का ही है ये टेक्रेक्स, तो अपने बेबीज भी लो लेवल के ही निकलेंगे। चलो हमने टेमिंग पोस भाई मैं नहीं खा रहा हूँ, मेरे को खाना पड़ गया एक तो। चलो भाई यहाँ पे अपना टेक्रेक्स हो चुका है टेम, अपन इसको स्टॉप कर देते हैं अभी, स्टॉप ऑल, और इसको भेज देते हैं भाई बेस पे, बेस पे चला जा भाई इधर से। चलो ये बेस पर जाने लगा, अभी अपन जा सकते हैं भाई केओ के लिए। चलो चला गया, और इधर ये कौन सा रिक्स है, ये नॉर्मल रिक्स है भाई,
और वो वाला उधर भी नॉर्मल ही रेक्स है भाई। टेक्रेक्स मिलते नहीं है अपने को, ये दूसरा टेक्रेक्स दिखा है। एक दिखा था उसको हमें हमने टेम कर लिया था, और अभी जाके भाई दूसरा टेक्रेक्स दिखा उसको अभी भाई हमने पकड़ लिया। चलो भाई अभी अपने केओ भाई कहाँ पे, अपन मैप में एक बार चेक कर लेते हैं। एंड गाइस शायद से भाई अपनी केओ मिल चुकी है यहाँ पे। हाँ भाई ये रही अपनी केओ। चलो अभी अपन चलते हैं अंदर। और अपनी हेल्थ भाई काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ख़त्म हो रही है भाई। कि आर्मर अपन नॉर्मल ये वाले आइलैंड पे नहीं पहन सकते हैं, केवल आइस में अभी जब ही जाएंगे तभी तो अपन पहन सकते हैं इसको। अभी अपने को भी पॉइजन लगने वाला है, अभी तो पॉइजन नहीं हुआ है भाई। पॉइजन वाली क्यू में ये नहीं है क्या भाई, अपने को मास्क वगैरह नहीं पहनना पड़ेगा? नहीं भाई होने लगा पॉइजन अपने को शायद। हाँ भाई होने लगा, अपन पहन लेते हैं मास्क। चलो भाई हमने मास्क पहन लिया। मास्क इसका भाई कुछ अलग ही टाइप का दिख रहा है। कोई तो है जो चिल्लाया है यहाँ पे, कोई ये पता नहीं भाई कुछ तो चिल्लाया था भाई। अपनी ही आवाज़ है शायद, मास्क पहनने के बाद ऐसी आवाज़ निकाल रहा है ये। अपन निकाल लेते हैं थाइलो गोलियों को। नहीं थाइलो गोलियों को अपन लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं अंदर पता नहीं भाई। ये क्यों थोड़ी सी छोटे टाइप की है, अपन अंदर इसको शायद से नहीं ले जा पाएंगे। ये कौन से यहाँ पे मैगनूरा है भाई काफ़ी सारी भाई साहब, क्या ही मार रहे हैं अपन, क्या ही चिकन मिल रहा है भाई अपने को यहाँ पे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मैगनूरा है भाई। भाई अगर मैगनूरा मतलब चिटिन कलेक्ट करना हो तो यहाँ पर अपन आ जाएंगे और काफ़ी सारा अपने को चिटिन मिल जाएगा। इन लोगों से भाई काफ़ी सारा चिटिन मिल गया अभी तक अपने को। अपन देखते हैं मैंने एंट्री में कितना चिटिन मिला। 10,000 यहाँ पे, 6,000 यहाँ पे, भाई 16,000 टोटल चिटिन मिल चुका है। थोड़ा बहुत भाई पहले का होगा। इधर कौन सा रास्ता है भाई साहब, इधर कौन सा रास्ता है? इधर रास्ता नहीं है शायद भाई, ऐसे ही है। वैसे ही मैं सोच रहा था उधर कौन सा रास्ता हो गया। इधर ही अपने को जाना है सामने। यहाँ पर कौन कौन से डाइनो है पता नहीं भाई साहब, क्या है भाई मैगनूरा है यहाँ पे भाई। मर जाओ मैगनूरा लोग। भाई साहब इतनी सारी मैगनूरा थी यहाँ पे। अपन हेल्थ बढ़ा लेते हैं भाई, इस आर्मर की वजह से हेल्थ कम हो रही है भाई। अपने को दूसरा आर्मर लेकर आना चाहिए था। इधर से अपन नहीं जा सकते हैं भाई, उधर से एक तो रास्ता है, लेकिन अपने को इस साइड से जाना है। इस साइड मेरे को याद है भाई मोबाइल में एक मैं ये वाली क्यों किया था। तो यहाँ पे ड्रॉप है, ड्रॉप में ये क्लॉथ बूट्स हैं और स्टीव सोलो सैडल ब्लू प्रिंट है। तुम लोग मर जाओ जल्दी से। अभी अपन उतरेंगे, ये मैगनूरा अपने को मारेंगे तो नहीं? यहाँ पे इसका ब्लू प्रिंट है, मिला अपने को। कौन आ गया भाई, मारो जल्दी से उसको। ये लीच लग चुकी है अपने को भाई। नहीं मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बेहोश हो जाऊंगा। हेलो अबे रुक जा भाई, लीच लग चुकी है, इसको कैसे हटाएं अपन? ये क्या भाई एपीपी में अपन चले गए क्या? नहीं भाई इसमें भाई लीच वगैरह हमला भी करते हैं भाई। अपने ऊपर लीच चिपकी हुई है, कहाँ पे चिपकी हुई है दिख भी नहीं रहा भाई, कहाँ पे चपकी हुई है। ये देखो भाई सामने क्या ये लीच लगी हुई है भाई। इसको अपन कैसे निकालें अभी? अपन टॉर्च से निकाल सकते हैं क्या भाई इसको? इक्विप, इसको अपन इसकी जगह पे डाल देते हैं। अपने ऊपर कितनी लीच लगी हुई है भाई, ऊपर दिखा रहा है भाई काफ़ी सारी लीच। और बॉडी पे दिखाएगा क्या? बॉडी पे नहीं दिखा रहा है भाई कितनी लीच लगी हुई है, लेकिन हेल्थ अपनी काफ़ी ज़्यादा घट रही है और इस वाले आर्मर की वजह से भी घट रही होगी हेल्थ अपनी। काफ़ी सारी लीच लगी हुई है, अभी अपन क्या करें भाई, लीच को कैसे हटाएं? ये लीच मैगनूरा है भाई, मेरे को लग रहा था लीच है ये। अपन क्या करें, अपन एक बार ये टॉर्च ड्रॉप करके देखते हैं। ड्रॉप अपन हाथ से भी कर सकते हैं ना उसको निकाल के। चलो भाई ड्रॉप कर दिया, इसके ऊपर अपन खड़े हो गए हैं। तब तब भी अपन नहीं निकाल पा रहे हैं भाई लीच को। भाई निकल जा किसी तरह से लीच। लीच तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है भाई, नहीं निकलेगी लीच। अपन जब बेस पर जाएंगे तभी आग के ऊपर खड़े होकर अपन निकाल सकते हैं लीच को।
वैसे पीसी में और कोई तरह से निकाल सकते हैं लीची या नहीं निकाल सकते हैं? पता नहीं भाई, कोई आइडिया नहीं अपने को। अपन अभी जल्दी से आर्टिफैक्ट लेने की ट्राई करते हैं, फिर अपन निकलेंगे। भाई हेल्थ अपनी काफ़ी सारी ड्रॉप हो चुकी है, तो इन सबको मार देते हैं अपन जल्दी से। चलो ये लोग निकल, आगे एक और ड्रॉप है शायद, ड्रॉप ही है। हाँ ड्रॉप ही दिख रहा है भाई। क्या है भाई, चीटियाँ वगैरह भी हैं तो इसके में। इस ड्रॉप में क्या है, एयर कंडीशनर और फ्लैग चेस्ट पीस का ब्लूप्रिंट अपने को मिलने का। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, फ्लैग का ब्लूप्रिंट अपने को चाहिए भी था। फ्लैग का अपने पास ब्लूप्रिंट नहीं है कोई अच्छा सा अभी। भाई आगे वाले शॉप को इनको पटा देते हैं, फिर अपन उतरते हैं। चलो ये लोग निपट चुके हैं, और भाई और सांप है अंदर अभी तक। भाई साहब कितने सारे मतलब डाइनो हैं इस वाली केव में, कितनी सारी मैग्नोरा आएंगे यार भाई पता नहीं। और अभी अपन आर्टिफैक्ट निकाल लेते हैं। ये भाई लीच लगी हुई है, लीच दिख रही है भाई अपने को। अपने को ब्लूप्रिंट नहीं मिला भाई, अपने को बना बनाया मिला है ना। हाँ भाई बना बनाया मिला है भाई, अपने को ब्लूप्रिंट चाहिए था असेंडेंट फ्लैग चेस्ट पीस का, अपने को बना बनाया मिल गया। आए यहाँ पे लीच हैं भाई नीचे, तो पानी में लीच घूम रही हैं भाई, निकलते हैं इधर से भाई। साहब यहाँ पे काफ़ी सारे स्नेल वगैरह हैं, इधर से अपन नहीं निकल सकते हैं, इधर से अपन निकल सकते हैं भाई। आगे तक कुछ नहीं दिख रहा है, इतने सारे डायनोज आ गए तो। चलो सांप भी निपट गया, अभी अपन उत्तर जाते हैं। लीस्ट थाइलो कोलियो के ऊपर भी लीच लगी हुई हैं भाई। थाइलो कोलियो की लीच अपन कैसे निकालेंगे? ऑप्शन आ रहा है ई एंड रिमूव लीच, होल्ड टू रिमूव लीच आ तो रहा है ऑप्शन। इसके ऊपर की हमने लीच निकाल दी और अपने ऊपर लगी हुई है, सांप आ रहा है। ये भाई क्या है, सांप निकल रहा है पत्थर के अंदर से। नोट खुल गया अपना। चलो भाई अपन अभी चेक करते हैं अपने ऊपर लीच है या नहीं है। अभी नहीं दिख रही है भाई लीच, शायद अपने ऊपर नहीं लगी थी लीच, इससे ही के ऊपर लगी थी, अपने ऊपर भी लगी थी। या अपने ऊपर भी लगी थी लीच लेकिन दिख नहीं रही है भाई साहब। आगे भी खतरनाक चीजें हैं, अपन क्या करें अभी यहाँ पे। चीटियाँ हैं यहाँ पे तो भाई। चलो ये निपट गया, और अभी अपन रैप्टर को बुला कर चेक करते हैं एक बार, रैप्टर को क्या अंदर लेकर जा सकते हैं या नहीं। चलो अपना रैप्टर आ चुका है। हाँ भाई रैप्टर शायद से चला जाएगा। ये भी फंस रहा है भाई आगे, ये भी फंस रहा है, यहाँ पर फंस रहा है भाई आगे, यहाँ से नहीं लेकर जा सकते हैं अपन। चलो उतर जाते हैं भाई, अपनी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गई। अपन एक काम करते हैं, थाइलो कोलियो को भेज देते हैं घर पर भाई। काफ़ी सारे डायनोस को मैंने बुला लिया है भाई। क्या ही भाई भाग गया वहाँ पे, गया ही नहीं। चलो अभी चले जाना भाई, भागना मत इधर उधर, फिर से भागने लगा था भाई ये। अभी अपन चलते हैं इधर से। और अभी अपन जल्दी से रैप्टर को बुला लेते हैं। भाई कहाँ जा रहा है भाई, बॉडी हार्वेस्ट करने लगता है भाई ये तो। ये क्या ही भाई आ गए यहाँ पर, मैग्नोरा ही मैग्नोरा, इतनी सारी मैग्नोरा आ गई भाई। इस ड्रॉप में क्या है, लॉन्ग नेक राइफल ब्लूप्रिंट। भाई साहब ओपी, अपन इस ड्रॉप को लेंगे भाई। भाई और किसी केओ में अपने को इतने सारे ब्लूप्रिंट नहीं मिले भाई, इस केओ में काफ़ी सारे ब्लूप्रिंट हैं। चलो भाई ये लोग तो लगभग निपट चुके हैं यहाँ पे। अभी अपन पानी में जाएंगे तो फिर से लीच वगैरह लग जाएंगी। कितनी सारी लीच है भाई,
लीच लग चुकी हैं और लीच को मारने से कुछ मिल भी नहीं रहा है भाई अपने को। कुछ तो अपने टूट गया भाई। कौन मारा आपने को? ये देखो भाई क्या है, उसके ऊपर लीच लगी है अपना भाई, टूट गया है। इसे अपन पहन लेते हैं, अपने पास ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है भाई वेस्ट करने के लिए। अपना एक तो टूट गया है, इनसे भाई लीच ब्लड है, सिलिका पर्ल एंड ऑयल भी मिलता है और यहाँ पर नोट वगैरह भी है, टाइप वगैरह का नोट। चलो भाई अभी अपन लीच निकाल लेते हैं, काम करते हैं। ये देखो भाई लीच लगी हुई है अपने, कहाँ से अपन हार्वेस्ट सेटिंग भाई, कहाँ से हॉल टू रिमूव लीच इधर है। चलो भाई लीच रिमूव हो गई, अपने ऊपर की भी लीच रिमूव हो जाती है, इसके ऊपर की अपन रिमूव करते हैं। तो चलो अभी ठीक है, अभी अपन लेते हैं लूट क्रेट। ये भाई 107 का है और ये जर्नी मैन का है, असेंडेंट नहीं है भाई, अपने को नहीं मिला असेंडेंट वाला। अभी अपन इधर से निकलते हैं और चलते हैं भाई अपनी आर्टिफैक्ट की तरफ। भाई आर्टिफैक्ट अपना कहाँ पे है, काफ़ी ज़्यादा अंदर है, इधर से ही जाना पड़ेगा शायद अपने को। इधर पहले भी तो नहीं आ चुका हूँ मैं केव से बाहर तो नहीं निकलने लगा। हाँ भाई शायद से मैं के बाहर आ चुका हूँ भाई। आर्टिफैक्ट अपने को क्यों नहीं मिला भाई? भाई मैं आर्टिफैक्ट के पास तो पहुँच गया था ना शायद, अपने को आर्टिफैक्ट ही नहीं मिला, मैं केव के बाहर निकल आया भाई। आर्टिफैक्ट कहाँ पे था पता नहीं, अपन कहाँ से गए थे भाई, शायद अपन रास्ता भटक चुके हैं भाई साहब। आर्टिफैक्ट ही अपने को नहीं मिला है, इधर से अपने को आगे जाना है और यहाँ से ये वाला रास्ता था, मैं शायद वो वाला रास्ता चला गया था पहले वाला। क्या ही भाई नोट खुल रहे हैं अपने आप। इधर ही आर्टिफैक्ट होना चाहिए, हाँ ये रहा भाई आर्टिफैक्ट इधर। मैं गलत रास्ते पर चला गया था इसलिए मैं भाई बाहर निकल गया था। यहाँ पे है अपना आर्टिफैक्ट भाई, सब आर्टिफैक्ट लेते हैं और हेल्थ पहले फुल कर लेते हैं भाई, पता भी नहीं चलता है हेल्थ कम हो जाती है भाई साहब। यू है अनलॉक्ड हेयर स्टाइल, ये क्या अनलॉक हुआ भाई, कुछ तो अनलॉक हुआ भाई हेयर वाला कुछ तो मटेरियल। अभी अपन भाई बाहर टेलीबोर्ड मारते हैं जल्दी से भाई, ये लोग मार रहे हैं भाई अपने को। चलो भाई अभी अपन बाहर चलेंगे, कौन मार रहा है भाई अपने को? भाई साहब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मामला पानी हो गया था वहाँ पे, तो अपन इसको सबसे पहले निकाल लेते हैं और अपना हेलमेट पहन लेते हैं, नहीं ये भी नहीं पहनते हैं, इसको भी निकाल लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है अपने को। चलो भाई फाइनली अपन आर्टिफैक्ट आप इम्यून लेकर आ चुके हैं और अपने को दो ठो लूट क्रेट मिले थे जिसमें बीपी अपने को मिला है। बीपी अपन इसमें डाल देते हैं, इसमें जगह ही नहीं बची है भाई, काफ़ी सारा सामान इसके अंदर भर दिया है। अपने को भाई बड़े वॉल्ट में रखना पड़ेगा ये सारा बीपीज वगैरह, इसके अंदर काफ़ी सारी जगह होती है। और इसके अंदर आर्मर वगैरह है, इसके अंदर अपन ये ट्रॉफी डाल देते हैं अपना आर्टिफैक्ट। चलो भाई अभी तीनों आर्टिफैक्ट हो चुके हैं, अभी अपन बॉस के लिए जा सकते हैं। और लेकिन मैं ऑफलाइन में भाई तीन मतलब हो चुके हैं, अपन तीन तीन एक एक बार और करके भाई आर्टिफैक्ट लेकर आ जाऊँगा और फिर अपन भाई अल्फा बीटा गामा भाई तीनों लेवल की बॉस को एक्सेस करेंगे। और यहाँ पर भाई टाइपेजारा घूम रहा है अपने बेस पर ही, चार लेवल का है भाई, क्या ही नूब लेवल का टाइपेजारा यहाँ पर टहल रहा है, इसको मैं मार देता हूँ। नूब लेवल के टाइपेजारा की अपने को कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ये लोग स्पॉन होंगे फालतू में, मर जाए ये भी भाई। जब इसका क्या ही रिक्वायर है, जब अपन मारते हैं तो क्या ही भाई अपना इस हाथ वगैरह ऊपर उठ जाता है, ये क्या स्क्रीन हिल जाती है पूरी पूरी। तो चलो गाइस आज की इस वीडियो में हमने भाई केओ वगैरह कर लिया और आर्टिफैक्ट वगैरह लेकर आ गए। अगले एपिसोड में शायद से अपन भाई बॉस फाइट के लिए जा सकते हैं। और यहाँ पर क्या है,
भाई साहब उसकी बॉडी पड़ी हुई है, मेरे को दूर से पता नहीं क्या लग रहा था। तो गाइस फिर आज की वीडियो को अपन यहीं पर एंड करते हैं, और आपको ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड गाइस अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस मिलते हैं आज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।